तो बाढ़ और फ्लड के एंड पे कबीर को एक कर्नल छेत्री कांटेक्ट करके बोलता है कि उसने सादिक शेख को मारा है। वो बोलता है कि चाइनीज़ प्रीमियर को भी मारने का प्लान है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता सके, कबीर का दोस्त विक्रम उसे स्नाइपर से मार देता है। तो हमारे पास अब तीन क्वेश्चंस हैं। पहला, ये विक्रम जिंदा कैसे है? दूसरा, ये विक्रम अपने देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है? और तीसरा, ये विक्रम चाइनीज़ प्रीमियर को क्यों मारना चाहता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा। मैंने द बार्ड ऑफ ब्लड की बुक है जो उसको पढ़ लिया है। इन क्वेश्चंस के आंसर को पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पूरा। तो चलिए अपन नीचे से शुरू करते हैं। विक्रम जिंदा कैसे है और ये देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहा है, इस पे दो मिनट बाद में आते हैं। पहले आप इस बात पे आते हैं कि विक्रम चाइनीज़ प्रीमियर को क्यों मारना चाहता है। तो कहानी में इस हफ्ते चाइनीज़ प्रीमियर इंडिया में आ रहे हैं एक समिट के लिए, और इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सीजन के पहले एपिसोड में ही सादिक शेख अपने बॉस अरुण जोशी को बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे इन इश्यूज़ को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। और सीजन के एंड पे कबीर को पता चलता है कि इंडियन आर्मी के कर्नल छेत्री को अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हालातों से काफ़ी प्रॉब्लम थी। इस कर्नल छेत्री ने काफ़ी लेटर्स भी लिखे थे गवर्नमेंट में ऊपर के लोगों को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो विक्रम इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कर्नल छेत्री को अपने मिशन के लिए रिक्रूट करता है। विक्रम ने कर्नल छेत्री को कहा होगा कि वो उसकी मदद करेगा इस अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे, लेकिन वो उन्हें सारा प्लान नहीं बताता, बस थोड़ा सा बता के मैनिपुलेट करता है। लेकिन जब कर्नल छेत्री को विक्रम के असली प्लान का अंदाज़ा होता है, तो वो कबीर को फ़ोन करता है मिलने के लिए। वो कबीर को इतना तो बता देता है कि चाइनीज़ प्रीमियर को मारने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाएं, विक्रम उन्हें स्नाइपर से मार देता है। तो अब विक्रम का असली प्लान क्या है, ये बुक में बताया गया है। तो अब आगे बुक के स्पॉयलर्स हैं। विक्रम का प्लान कुछ ऐसा है कि जब चाइनीज़ प्रीमियर इंडिया में आएंगे, तो विक्रम उन्हें मार देगा। अब जब भी किसी कंट्री का एम्बेसडर या डिप्लोमेट एक दूसरी कंट्री में जाता है, तो उस डिप्लोमेट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस दूसरी कंट्री पे होती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि चाइनीज़ प्रीमियर यानी चाइना का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग बंदा जब इंडिया में आएगा, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इंडिया की है। और क्योंकि विक्रम इसे मार देगा, तो ये बात अब इंडिया के ऊपर आ जाएगी। उधर अरुणाचल प्रदेश में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इस सारे माहौल में चाइना की गवर्नमेंट फिर इंडिया पे जंग का ऐलान कर देगी। विक्रम को लगता है कि क्योंकि चाइना की मिलिट्री इंडिया से बड़ी है और चाइना पहले भी इंडिया से 1962 में वॉर जीत चुका है, वो इस बार भी जीत जाएंगे। और उधर पाकिस्तान भी इस मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया पे अटैक कर देगा, और तीनों कंट्रीज़ वैसे ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो अगर कोई बच भी जाता है तो आने वाले सालों में जो बच्चे वगैरह पैदा होंगे वो सही नहीं पैदा होंगे, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो इंडिया को एंड में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ये है विक्रम का प्लान, इंडिया की बर्बादी। इसीलिए जब कर्नल छेत्री को ये शक होता है कि इस प्लान में इंडिया का नुकसान होगा, तो वो कबीर को फ़ोन करते हैं। तो ये तो हो गया कि चाइनीज़ प्रीमियर को क्यों मारा जा रहा है, इंडिया की बर्बादी के लिए। लेकिन अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि विक्रम इंडिया को बर्बाद करना क्यों चाहता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि विक्रम जब एक छोटा बच्चा था, उसका घर कश्मीर में था। उसके पिता एक मुसलमान थे, और जब कश्मीर के बाकी मुसलमान इंडिया और उसकी आर्मी के अगेंस्ट थे, तो विक्रम के पिता इंडिया को सपोर्ट करते थे। विक्रम की माँ एक हिंदू थी जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम को अपनाया। वो दोनों ही सच्चे और अच्छे लोग थे। विक्रम एक दिन खेलने के लिए घर के पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है, और तभी तीन इंडियन सोल्जर्स उसके घर के अंदर आते हैं। वो उसके पिता को बहुत मारते हैं। विक्रम बाहर खिड़की से देखता है कि वो इंडियन सोल्जर्स जिनकी तरफदारी उसके पिता करते थे, उन्हीं सोल्जर्स ने उनको मार मार के उनकी जान ले ली। वो सोल्जर्स विक्रम के पिता पे बॉम्ब बनाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर वो विक्रम की माँ को एक मुसलमान से शादी करने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। वो उबलती हुई चाय उसकी माँ के ऊपर फेंकते हैं, उसके बाद उसे बहुत मारते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, और उसके पिता की लाश के सामने ही एक एक करके सब उसका रेप करते हैं। इसके बाद विक्रम की माँ भी अपना दम तोड़ देती है। विक्रम ये सब घर के बाहर की खिड़की से कांपते हुए देख रहा होता है, ये कोशिश करते हुए कि उसके मुँह से कोई आवाज़ ना निकल जाए। अगर विक्रम भी उस दिन घर के अंदर होता, तो वो सोल्जर्स विक्रम को भी मार देते। उसके पिता तो सिर्फ एक करियाने की दुकान चलाते थे, कोई बॉम्ब नहीं बनाते थे। वो इंडियन सोल्जर्स उसके बाद फेक एविडेंस भी प्लांट करते हैं कि वो बॉम्ब बनाते थे।
विक्रम उसी दिन सोच लेता है कि वह सब का बदला लेगा। वो उसी दिन खुद से एक वादा करता है और उसी वादे के कारण वो आज ये सब कुछ कर रहा है। गाइज, आप ये मत सोचना कि मैं टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहा हूँ। विक्रम को बदला ही लेना था तो वो खाली उन तीन लोगों को भी मार सकता था। ये तो पूरे देश को उड़ाने चला है। तीन गलत लोग पूरे देश को नहीं दर्शाते, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, उसकी खुद की चॉइस है, वो खुद जिम्मेदार है इन एक्शंस के लिए। तो ये तो था विक्रम के ट्विस्टेड माइंड में पूरे देश को ख़त्म करने का रीज़न। अब वो ज़िंदा कैसे है, ये बड़ा सिंपल आंसर है। सीज़न के पहले ही एपिसोड में, फ्लैशबैक में, कबीर जोशी और सदीक सर को बोलता है कि कोई उनकी एजेंसी में मोल था। ये मोल हमेशा से ही विक्रम होता है, वो अपना बदला लेने के लिए एजेंसी में घुसता है। अभी क्योंकि ये 5 साल पहले की कहानी है तो उस टाइम विक्रम ने ये चाइना के लीडर को मारने का प्लान नहीं बनाया था। इस टाइम वो बस एक मोल था, वो पाकिस्तान के ISA को इंडिया के बारे में खबर देता रहता था। विक्रम को उस दिन पता था कि उस पुराने मदरसा में जाना एक ट्रैप है। हम देख सकते हैं कि मदरसा के अंदर जाते ही विक्रम और कबीर अलग अलग हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मारने के लिए कुछ बंदे आते हैं। उस बॉम्ब के बारे में भी विक्रम को हमेशा से ही पता होता है, वो नाटक करता है। उसे तो लगता है कि कबीर को इतने सारे लोगों में से कोई तो मार देगा, लेकिन कबीर सबको मार देता है। जब कबीर बाहर चला जाता है, विक्रम आराम से उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है, अपना पैर हटाता है और बाद में उस मदरसा को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि वो मर गया और वो इंडिया की बर्बादी का कोई और प्लान बना सके। तो गाइस, ये सब आंसर बुक को पढ़ने के बाद पता लगते हैं। ये मैंने YouTube पे पहली ऐसी एंडिंग एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो बनाई है। मैं अपने चैनल के साथ ऐसे पंगे ले रहा हूँ और डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।